और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, वॉर जोन से पोल्टावा में रूस का स्कैंडर मिसाइल से हमला। यूक्रेन के एयरबेस पर इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन का एक MI-24 हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त हो गया। तस्वीर आप देखिए, यूक्रेन के दो सैन्य वाहन भी इस हमले में बर्बाद हो गए। तो यूक्रेन की राजधानी कीव का बचना अब असंभव लग रहा है। कीव पर विजय के लिए रूस ने बेलारूस गेट को खोल दिया है। बेलारूस की सेना, उसके एयर डिफेंस, मिसाइल और बारूद कीव से लगती बेलारूस के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त जिस जगह पर बेलारूस की सेना तैनात है, वहां से कीव शहर की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है। लिहाजा माना जा रहा है कि जुलाई में ही बेलारूस की सेना कीव में दाखिल हो जाएगी, और इसके बाद क्या होगा, इसी कल्पना से कीव के साथ साथ वॉशिंगटन में भी दहशत। युद्ध के मैदान में न सिर्फ रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं, बल्कि विनाश का क्षेत्रफल भी बड़ा होता जा रहा है। रूसी सेना के प्रचंड प्रहार के साथ ही पुतिन का कीव अभियान तेज हो गया है। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है, उससे यूक्रेन के सामने एक ही विकल्प बचा है, और वो है सरेंडर। यूक्रेन ने अगर सरेंडर नहीं किया तो रूस कीव पर कब्जा कायम कर लेगा। कीव पर कब्जे के लिए क्रेमलिन ने न सिर्फ नया प्लान और रूट तैयार कर लिया है, बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दिया है। रूस का नया की प्लान और रूट क्या है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन यूक्रेन पर इस वक्त किस तरह से सरेंडर का खतरा मंडरा रहा है, उसे देखिए। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना पर सरेंडर का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा। पुतिन के दूत भी कीव पहुंचे तो यूक्रेन से हथियार डालने की अपील की। ये है हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान। ओरबान यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। ओरबान और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। इस दौरान ओरबान ने ज़ेलेंस्की से सीज फायर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांति वार्ता तभी शुरू हो सकती है जब युद्ध विराम होगा। हालांकि ज़ेलेंस्की ने ओरबान के सामने ही सीज फायर करने से साफ मना कर दिया। सीज़फ़ायर को लेकर यूक्रेन के अजोव ब्रिगेड ने ज़ेलेंस्की को बहुत ही खतरनाक धमकी दी है। अजोव ब्रिगेड ने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम किया तो उन्हें इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन ना तो सरेंडर करेगा ना ही युद्ध विराम की घोषणा। लिहाजा क्रेमलिन के आदेश पर रूसी सेना ने कीव विजय अभियान तेज कर दिया है। रूस ने बेलारूस फ्रंट को एक्टिव कर दिया है। बेलारूस की सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ घातक मिसाइलों और हथियारों की तैनाती कर दी गई है।
बेलारूस की इसी तैनाती के बाद माना जा रहा है कि इसी रूट से रूसी सेना विध्वंसक हमला कर कीव पर कब्जा कर सकती है। रूस ने कीव पर कब्जे का अपना अभियान बहुत तेज कर दिया है। कीव पर हमले के लिए बेलारूस फ्रंट खोल दिया गया है। कीव से लगती सीमा पर बेलारूस ने अपनी सेना भेज दी है। कीव सीमा पर घातक हथियार और एयर डिफेंस की तैनाती कर दी है। बेलारूस रूट से कीव काफी नजदीक है। इस वक्त बेलारूस की सेना जिस जगह पर है वहां से कीव सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही बेलारूस कीव रूट है जो कि 9 महीनों तक बंद रहता है। पहले बर्फबारी और उसके बाद बर्फ गलने के बाद कीचड़ की वजह से यह रूट 9 महीनों तक बंद रहता है। जून जुलाई और अगस्त में बर्फ पिघल जाती है। बर्फ कीचड़ खत्म होने पर यह रूट साफ हो जाता है। माना जा रहा है कि जुलाई अगस्त में इसी रूट से बेलारूस की सेना कीव में घुसने वाली है। बेलारूस ने यूक्रेनी सीमा पर सिर्फ सेना और एयर डिफेंस सिस्टम ही तैनात नहीं किए हैं बल्कि परमाणु हमले की धमकी भी दे दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा है कि अगर बेलारूस पर हमला हुआ तो बचाव में हमारा पहला ही वार एटमी होगा। पुतिन और लुकाशेंको के इरादे बहुत खतरनाक हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में नेटो कीव को बचाने की कवायद में जुट गया है। नेटो कीव में नया सैन्य पोस्ट खोलने जा रहा है। इस पोस्ट के जरिए नेटो के अधिकारी यूक्रेनी सेना की मदद करेंगे। इसके साथ ही जर्मनी में एक कमांड पोस्ट खोला जा रहा है। इसके माध्यम से यूक्रेनी सेना को मदद पहुंचाई जाएगी। इसी के साथ अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। अमेरिका यूक्रेन को 19,200 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। नीदरलैंड्स बहुत जल्द यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है। पेंटागन ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका में यूक्रेन पायलटों की F-16 ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि जीत यूक्रेन की ही होगी। जाहिर है पश्चिमी देश कीव को हर हाल में बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रूस के चंगुल से कीव बच पाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।